नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 12 फरवरी 2020 मतलब 12 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा बाई लेवल सेल लेवल कम स्किनर्स के थ्रू में मैंने जो बाई लेवल सेल लेवल आप इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देता हूँ। इनसाइड डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 डे व्यूइंग स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये सब दिखाता हूँ। तो ये व्यू भी आप लोग को मिल जाएगा और चार्ट का सेटअप, बहुत सारे चार्ट का सेटअप है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये वीडियो इसका ये बाय सेल लेवल को कैसे स्क्रीनिंग करना है, क्या क्या इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, ये सब वीडियो भी मिल जाएगा। और इसको कैसे यूज़ कर सकता है, इसका परफॉर्मेंस कैसे देखता है, वो भी आप लोग को सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। इसमें देखिए इधर से कल से जो गया था कल थोड़ा सा नीचे का ट्रेंड दिखाया था, लेकिन इधर आज इधर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होकर ये ऊपर गया है। और इधर जो एक इन्वर्टेड हैमर या ग्रेवस्टोन दोजी जैसा पैटर्न इधर फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा लगता है ये अप मूवमेंट ये दिखाई इतना सेम पैटर्न बना है, सेम ही पैटर्न बना है। इधर भी इन्वर्टेड हैमर या दोजी टाइप का कैंडल बना है, इधर भी थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन इधर थोड़ा सा से उधर उधर जैसा हुआ था सेलिंग प्रेशर आया था और इधर जिसमें थोड़ा सा नीचे आया है, तो लगता है ये कंसोलिडेट करेगा और थोड़ा सा अप साइड में ही रहेगा, कंसोलिडेट करेगा और अप साइड में रहेगा ऐसा लगता है। और इसका पहले निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1.01 है और इधर 12,200 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है आप लोग देख सकते हैं, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इधर 12,000 इधर रेजिस्टेंस बना है, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,000 में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर सपोर्ट है और इधर इधर जो जितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इधर थोड़ा सा कम है, पुट कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है और इधर शॉर्टिंग भी हो रहा है, तो लगता है ये निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने का कोशिश करेगा, ऊपर लेने जाने का कोशिश करेगा। तो इधर इसके साथ पीसीआर रेशियो और आईबी पोजीशन थोड़ा सा सेम ही रहता है, कल का जो था थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इधर थोड़ा सा अपसाइड भी रहेगा ऐसा लगता है। और बैंक निफ्टी का लेकिन 200 के ऊपर जाने 12,200 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कम है। और इधर बैंक निफ्टी में इसका 1.25 इसका बना है पीसीआर रेशियो 31,500 में, इसका रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और पुट साइड में सबसे ज़्यादा अमाउंट पर इंटरेस्ट 31,000 बना है, इधर सपोर्ट बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये भी शॉर्टिंग हो रहा है, तो इसी के वजह से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट सेशन दैट इट इज बैंक निफ्टी इज करेक्टेड, वी हैव विटनेस्ड इट एंड सो लगता है बैंक निफ्टी के थोड़ा सा नीचे लाने का कोशिश करेगा, लेकिन 31,000 नीचे के जाने का तो पॉसिबिलिटी कोई थी कम है, लेकिन 31,500 के 31,200 या 31,100 के आसपास आ भी सकता है। तो
देखना पड़ेगा कैसा होता क्या होता है। और उधर बैंक निफ्टी का जो देखता इधर जो प्रोबेबिलिटी दिखता है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, सॉरी निफ्टी में थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी में 31,000 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है 31,500 के हिसाब से। तो इधर बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे दिखा रहा दे रहा है। तो अब लेकिन लाइव मार्केट में आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस करके और चार्ट का सेटअप और लेवल देख के करना पड़ेगा, और मैं रात में आप लोग को बाय सेल लेवल दिखा दूंगा। तो आप लोग अभी फिबोनाची लेवल देख सकते हैं, उसके बाद बाय सेल लेवल, पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, वो भी आप लोग को रात में दिखाई दूंगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इधर आप लोग फिबोनाची लेवल इसका नोट कर सकता है, इधर से स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी आप लोग इधर से देख सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।